तो आ चुके हैं पहले वीडियो के साथ यूट्यूब के पबजी लाइट के अपने गेम प्ले के। यहाँ पे ईस्ट पोर्ट से जा रही थी प्लेन, तो मैं अपने भैया के साथ ईस्ट पोर्ट पे उतर गया। ईस्ट पोर्ट में उतरते हुए हमको कुछ बंदे दिखते हैं, दो बंदे कंटेनर साइड उतरे थे और कुछ अपार्टमेंट में पीछे के हमारे। तो हम को उतरते ही गन तो नहीं मिली, तो हम आजकल ये सोच रहे हैं कि ऐसी यह मामला चल रहा है कि पबजी बैन हो सकता है, इसलिए जितना हो सके पबजी खेल लिया जाए अभी, ताकि बाद में कहने को ना रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को शॉर्ट गन मिली, शॉर्ट गन से यहाँ कंटेनर तक के बंदों को थोड़ी मार पाऊँगा, इसलिए यहाँ पर मेरे को स्कार एल मिलती है। जैसे ही मेरे को स्कार एल मिली, मैं डायरेक्ट छत में चला जाता हूँ, ताकि फिर वहीं से आराम से इजीली मैं मार सकूँ। वहाँ से मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, उसको तुरंत मैं भर देता हूँ वहाँ पर। उसके बाद फिर पूरा काम टोटल मारना चाहता था, लेकिन वो कवर में चला जाता। उसके बाद फिर मैं थोड़ी लेफ्ट में जाता हूँ, वहाँ से मेरे को फिर से उसका टीम में रिवाइव करती हुई, लेकिन मेरा 6x बहुत रिकॉर्ड ले रहा था, इसलिए उसको नहीं, एक भी एमओ डैमेज नहीं हुआ। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद फिर फायरिंग किए, खड़ा हो गए तो आसानी से मार दिया। इसके बाद मेरे भैया कुछ बंदे वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, मुझ पर भी किया था फायरिंग, तो उसमें से एक बंदे को भैया ने नॉक कर दिया था, मेरे टीममेट ने। जैसे ही नॉक किया तो तुरंत रस के लिए चले गए, लेकिन मेरा M4 डली थी, इसलिए मैं M4 उठाने लगा। लेकिन जब तक वो रिवाइव हो गया था, पता नहीं इतने जल्दी कैसे रिवाइव हो गया, तो उनको नॉक करके फिनिश भी कर देते हैं। फिनिश कर देते हैं, फिर मैं जब आता हूँ तो फिर मेरे को एक बंदे देखता, तो पहले इसको नॉक करता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ी कवर में जाता हूँ, पीछे से इसको भी इजीली फिनिश कर देता हूँ, इजीली मार दिया। फिनिश भी कर दिया, शूटर से दूसरे बंदा आ रहा है। लेकिन इसके बाद फिर कुछ फुट स्टेप मेरे को आ रहे थे, 2-3 फुट स्टेप, तो फिर मेरे पास हेल्थ नहीं थी, इसलिए सबसे पहले तो मैं कवर ढूंढ रहा था कि जहाँ मैं हेल्थ भर सकूँ इजीली। तो फिर यहाँ मैं नीचे चला जाता हूँ आराम से, नीचे जाके बैंडेज लगाने लगता हूँ। बैंडेज लगाते हुए फिर यहीं पे मेरे को फुट स्टेप आएंगे, फुट स्टेप आते हैं तो फिर मैं थोड़ी बहुत आवाज़ सुनता हूँ, कहीं पास में तो नहीं है, देखता हूँ तो नहीं था। लेकिन फिर यहीं पर मेरे को बॉट दिखता है, सबसे पहले तो बॉट को मार देता हूँ। इसके बाद मेरे पास दो फुट स्टेप की आवाज़ आने लगी, मैं यहाँ शायद किनारे देखता हूँ कि शायद यहीं कहीं किनारे कोई बैठा ना हो, लेकिन यहाँ मेरे को कोई स्पॉट नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ गेट पर टीपी भी लेने लगता हूँ कि यहाँ शायद यहाँ से आए तो यहाँ पर मार दें। लेकिन फिर इसके बाद मैंने एक दिमाग लगाया, मैं यहाँ पर अपने हाथ में मौली लिया रहता हूँ। जैसे मेरे को बंदा देखता, एक बंदा खैर आ गया था, यहाँ पे एक मौली फेंक देता हूँ, सेकेंड वाला बंदा डैमेज हो जाता है, तो मैं नीचे डायरेक्ट कूद जाता हूँ। फिर वो बंदा भी नीचे कूदता है, सबसे पहले इसको मार देता हूँ, मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा आता है सेकेंड में, तो वो वैसे डैमेज हो गया था मौली के कारण, इसलिए मैं उसको ईजिली फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ी बहुत लूट करना चाहा, थोड़ी बहुत लूट किया, बैंडेज वैंडेज लगाया। उसके बाद मेरे को 2-3 बॉट भी परेशान किए यहाँ पे। फिर मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो एक बॉट को ऐसे मारने लगता है जैसे रियल बंदी, जैसे मेरे को मतलब फिनिश ही करने वाला था, लेकिन मैं फिर इसको जल्दी से मार दिया। मजाक नहीं करना बॉटों के साथ भी, कहीं तो बॉट भी अपन को मार देते हैं अगर हेल्थ कम होती है, इसलिए फिर मैं यहाँ से। उसके बाद जैसे ही मैं जोन में आता हूँ, तो जोन में आने के बाद मेरे को मेरे घर में एक बंदा आ जाता है, तो मैं वही टेक्निक अपनाना चाहता था कि जैसे ही बंदा आएगा मैं मौली कर दूंगा। लेकिन मैं काफ़ी देर तक वेट किया, लेकिन वो नहीं आया। मैं ऐसे बहुत देर तक खड़ा रहा कि शायद आए, लेकिन वो एक ढीठ निकला साला, आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं भी परेशान हो के आखिरकार सोच लिया कि जाऊँ
वहाँ उस घर से भी मेरे ऊपर नज़र रखे थे बंदे, वहाँ से भी डैमेज करने वाले थे मेरे को। अब पैसा मेरे को बहुत हुआ, मेरे सारे ही अब दागे से दिखने से कर रहे हैं, वजह था कि यहाँ पे हम अच्छे पाओगे, लेकिन वो वहाँ था और उसको इजीली फिनिश कर दी खा लिया मैंने। कहाँ 90 चेंज नहीं कर सकता था मैं, मार दिया वहाँ से, फिर पीछे से मेरे को डैमेज कर रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से कवर में आ गया, नहीं तो पता चले मौके का फ़ायदा उठा लें वो। जोन आ गया था इसलिए मेरे को जोन में भी जाना था, मेरे को जल्दी वहाँ पर मेरे पीछे से मेरे ऊपर फायरिंग कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी से साइड से जोन में गया। पूरा घूम के बहुत लॉन्ग हो गया, लेकिन क्योंकि बचना भी है ना, तो मैं पूरा स्टेडियम की तरफ से घूमते घूमते गया यहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर साइड लेटने वाला रहूँगा, लेटता हूँ, वैसे ही मेरे को ऊपर फायरिंग होने लगती है वहाँ सामने से, जहाँ भी पेड़ पास से। यहाँ पर मैं गाड़ी रोका अपनी, सोचा कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन वैसे ही लेटे वहाँ पास से मेरे ऊपर फायरिंग होने लगी। वहाँ मेरे को बंदा देखा, लेकिन वो मेरे को मार नहीं रहा था, कोई और मार रहा था, लेकिन वो मेरे को दिख नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ था। अब फिर से जोन ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो गया जोन, अब फिर से जोन में जाना था, अब मेरे को गाड़ी में जाना पड़ेगा। बंदे आठ लोग बचे हैं इतने से जोन में, अब कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ मैं। वो इसको मारना चाह लेंगे इसको, नहीं अब मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में बैठ के जोन में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को सामने, वहाँ सामने जा रहा था, लेकिन क्या करूँ, किस्मत हुई ऐसी है कि फ्यूल ही नहीं था इस गाड़ी में, बीच में रोकना पड़ा। लेकिन सामने जाता तो पीछे वाला बंदा मार देता, पीछे जाता तो सामने वाला मार देता, इसलिए सामने वाले भी बंदा स्पॉट हुआ। पहले उसको नॉक एंड फिनिश ही कर दिया क्या है। अब वैसे इतनी कम हेल्थ बची थी, मैं वहाँ जोन में जाता तो मैं मारा ही जाता, इसलिए मैं हेल्थ बैंडेज लगाने कुछ ऐसे किया, जोन में मर गया। होप आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।